केक बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप मैदा, इसमें लेना है हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप शक्कर, पीसी हुई शक्कर है ये, मिक्सी में पीस लें और फिर 1/2 कप शक्कर। हमें लेना है 1/4 कप तेल और इसे हमें करना है मिक्स। हमें मिलाना है 1/2 कप दूध, धीरे धीरे दूध डालते रहें और इसे मिलाते रहें। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है कि गुठलियाँ ना रहे इसमें, इसमें लम्स ना रहे। अब इसमें हमें 2 से 3 बूंद वेनिला एसेंस डाल देना है। इसे अच्छे तरीके से मिलाते रहें और फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, न ज़्यादा पतला न गाढ़ा। ले लेना है केक मोल्ड। अब इसमें हम इसे हम तेल से ग्रीस कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा ताकि अच्छे से। तो चलिए अब हमें रख देना है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो हमें इस तरह से कॉपी का पेज फाड़कर इसी आकार में बनाकर और इसे हम ग्रीस कर देंगे तो हमें बटर पेपर बना सकते हैं इसका भी। अच्छे से इसे भी तेल लगा देंगे। तो चलिए अब हमारा जो केक का बैटर था इसे हमें डाल देना है। तो चलिए हमने बैटर डाल दिया है, इसे टैप कर लेंगे ताकि जो बबल्स हो अंदर हवा भरी हो तो सब निकल जाए। तो चलिए अब इसे हम अपने पतीले में डालते हैं। हमने ये अपना पतीले को 15 मिनट पहले ही प्रीहीटेड कर लिया है जो कि इतना अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अपना केक मोल्ड और इसे ढक्कन लगा देंगे, 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो चलिए 25 मिनट हो चुके हैं बेक होते हुए हमारे केक को। हम इसे टूथपिक की मदद से चेक करते हैं कि हमारा केक हुआ है या नहीं। टूथपिक क्लीन आ रही है इसका मतलब हमारा केक हो चुका है। अगर आपके टूथपिक में गीलापन लगा हो, उसमें लगा हो मैदा, तो समझ लो कि अभी 5 मिनट के लिए और उसे बेक होने दें, लेकिन हमारा केक अभी हो चुका है, क्लीन है। तो चलिए इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। चलिए हमारे केक को 15 मिनट हो चुके हैं, ठंडा हो चुका है केक। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारा केक कितना बढ़िया सी, अब इसे हमें सीधा करें, आप देख ही रहे हैं कि कितना स्पंजी है, कितना मुलायम, कितना नरम। ये देखिए कितना नरम है।